गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं जी रात को आप लोगों को बता दी मैं स्टे कर रही हूँ। बहुत जल्दी उठना पड़ा क्योंकि यहाँ पे चल रही है कंस्ट्रक्शन, उसके शोर से उफ मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। सुबह भी मैं सोई हूँ 6 बजे। यस, 6 बजे सोई हूँ मैं जाके, क्योंकि हम लोग सारी रात बैठ के बातें करते रहे और उसके बाद मैं 6 बजे सोई हूँ और अभी मैं 10 बजे दोबारा सोई हूँ। इमेजिन मैं बलदान से भी पहले उठ गई और मैं उठी हूँ इस क्यूट बेबी के लिए। और जी इस क्यूट बेबी की वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ा। और मैं ज्यादा से ज्यादा इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी तो मैं जल्दी से उठ गई। He doesn't want water. ब्रेकफास्ट तैयार नहीं करती आज मेरे लिए कर रही है। थैंक्स टू यू। विल दैट ईट दान वैसे मुझे इतना ज्यादा परेशान करता है खाने के लिए, कोई और खिलाए तो खा लेता है बट मैं खिलाऊं तो हमेशा नखरे करता है। बचपन से इसकी आदत है। अभी मैं गाइस जो शाम तक हूँ यहाँ पे, रात को मैंने नाइट स्टे किया और काफी दिन बाद किया, बल्कि मैं फर्स्ट टाइम एवर जब से ये लोग कराची में शिफ्ट हुए हैं तब से मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टे किया है, वरना मैं लेट नाइट आती थी, वो एक दो घंटे के लिए आती थी बस, बातें थोड़ा चिल फील करके वापस हम लोग चले जाते थे, बट आज मैं स्टे के लिए आई हूँ। व्हाट वो कह रहे हैं रखें तो मैं खुद खाऊंगा। बिलदान जब छोटा था तो अम्मी मेरे साथ कुछ दिन रही थी, उसके बाद फिर चली, फिर मॉम करती थी बिलदान की दादी। तो ये नानी दादियों का ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है, मालिश हो जाती है बच्चे की बड़ा अच्छा। जो बाहर रहने वाली जो लड़कियाँ होती हैं वो थोड़ा सा मिस कर देती हैं इस पार्ट को, क्योंकि वो नानी दादियाँ जो होती हैं वो उधर नहीं होती, उधर सब लोग ऑब्वियसली अकेले रह रहे होते हैं, तो सब कुछ मदर ही सब कुछ कर रही होती है। तो ये मसाज जो है, वैसे अम्मी ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ये मसाज? वो इसलिए कि बेटा बच्चा सुकून करता है और सोता है और सुकून तो मजे से लेटा हुआ है, एंजॉय कर रहा है मसाज। यहाँ से अब अंदाजा लगाओ, अब देखो कितनी इसको मसाज कर रही हूँ और इसको मजा आ रहा है इसको। जितनी देर भी करती रहूंगी रोएगा ना, लेकिन फेस पे करो तो थोड़ा बच्चा रोता है। हाँ, फेस पे करने से रोता है, ये नहीं रोता वो बड़ा मिकाइल बहुत एंजॉय कर रहा है। मेरी बेबी, मेरी बेबी। चलो चलो चलो, ओके ओके, लेट्स चेंज क्लोथ्स, कम कम कम।
इजी सेट कर रही हूँ, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट. ओके ओके ओके, व्हाट डू यू वांट? इधर से देखते हो तो उधर विल्दान नाराज हो जाता है, इधर से आओ तो फिर मिकाइल हो जाता है. मिकाइल इज अ वेरी हैप्पी बेबी. नो What happened? What happened? कलर्स जो है ना बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो अभी इसको रेड कलर बहुत अच्छा लगता है. बस 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 दे आर वेरी नाइस एंड वेरी इफेक्टिव. जो भी एक्नी के पेशेंट्स हैं, एक्नी से जो लड़ रहे हैं मेरी तरह लोग, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी. डोंट सून आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट. डोंट यू वरी गाइस, दिस इज फॉर यू. शुक्रिया शुक्रिया मेरी बहन, मेरी बहन शी इज अ वेरी नाइस सिस्टर, बहुत केयरिंग सिस्टर है मेरी. क्यों है फायदा मेरी इतनी खिदमत क्यों हो रही है? आज वैसे इसलिए खिदमत हो रही है क्योंकि ये आती ही नहीं है. जब भी हम उनसे कहते हैं प्लीज़ स्टे के लिए आओ, प्लीज़ स्टे के लिए आओ, ये हमेशा कहती है नहीं आज नहीं कर. आज भी बड़ी मुश्किल से इसे हमने हाथ किया है उसकी खिदमत करें, पर पता नहीं कब आए. यार आई हैव अ वेरी बिजी रूटीन, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था. बट कल मैं रहने के लिए भी नहीं आई थी, मैं जस्ट यहाँ पे आई थी मॉम वगैरह के साथ, यहाँ पे आई थी मिकाइल को देखने के लिए. बट अब इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पे रोक लिया, मैं बिल्कुल तैयारी के साथ नहीं थी. आप देख सकते हैं कि मैंने शर्ट कोई और पहनी है, ट्राउज़र कोई और पहना है, क्योंकि मैं बिल्कुल तैयारी के साथ नहीं आई थी. हमने इसे ज़बरदस्ती रोक लिया और ये रुक गई. और मैंने इसके लिए स्पेशली, वैसे मैं किसी की खिदमत नहीं करती हूँ लेने के लिए, क्योंकि कभी कभी आती है यार, कभी कभी चलता है. इसके अलावा ये जब से आई है ना बेबी सिटिंग कर रही है, विस्तान को भी संभाल रही है, मिकाई को भी संभाल रही है. बेबी सिटिंग कर करके ना तुम बहुत थक गई हो, तुम खाओ पियो ताकि थोड़ी एनर्जी आए. गाइज ये कुछ साल जो है मैं लाहौर से लाई थी मिकाइल के लिए. हम लोग को आए हुए एक महीना हो गया है और ये थोड़े से आई थिंक ये थोड़े से मिकाइल को छोटे हो गए हैं, बट हम लोग ट्राई करते हैं. मिकाइल डू यू लाइक दिस? यस यस पुपो, यू लाइक दिस? पहनाते हैं मिकाइल को. आई थिंक थोड़े से इसको टाइट हो रहे हैं. आह मिकाइल वॉक 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 वॉक. क्यूट लग रहे हैं, इतना क्यूट लग रहे हैं. सी यू लाइक दी शूज? यस यस यू लाइक दी शूज? Finally,
बेबी अब तुम सबके हवाले व्हाट से इंशाल्लाह मैं फिर नहीं आऊंगी तुम्हारे घर वापस इंशाल्लाह गेम शट अप आई लव नमक पारक जी ये क्या कर रहे हो प्लेट नहीं आनी चाहिए हरी मिर्च है आई लव इट ये इसकी बचपन की आदत है कोने में बैठ जाते हैं अपनी प्लेट लेके ये बचपन से क्या बचपन से हुसैन की एक आदत है साइड पे प्लेट लेके जब कोई मेहमान जब भी कोई मेहमान आते थे घर में तो साइड पर पीट पीट बना के बैठ जाते और जब मेहमान जाते थे खाने के मामले में टेबल पे हाँ खाने के मामले में कॉम्प्रोमाइज वैसे ये सबके घर में होता होगा जब भी हमारे घर में मेहमान जाते थे सब इतना टूटे हमारे घर में बचपन में हमेशा मेहमान रहते थे कोई ऐसा दिन नहीं था जब हमारे घर मेहमान नहीं आते थे तो हमारा फेवरेट टाइम वो होता था जब मेहमान जाते थे अटैक करते थे एक दूसरे को देखते थे और एकदम से बात करते थे पहले कौन पहुंचेगा समोसे की प्लेट पे पहले कौन पहुंचेगा चिप्स की प्लेट पे पहले और हुसैन अपनी चीजें जो है ना साइड पे जमा एक पेटीज ले लिया एक समोसा साइड पे कोने में जाके इसी तरह जस्ट लाइक दिस जैसे अभी यहाँ हम सब बैठे हैं एक किस्सा बताया आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक मुंह लगा अगर आप खा लो वो करना पड़ता था इनके साथ और एक और हुसैन की मैं आदत बताऊं यहाँ पे हुसैन की पोलियो खुलना शुरू हो गई है वो सही था तुम लोगों के साथ ऐसे ही करना चाहिए हुसैन ऐसा था बचपन में इसकी हम लोग जब भी आइसक्रीम वगैरह लाता था तो हम इसकी ले लेते थे तो ये क्या करता था मना कर नहीं सकता था तो ये क्या करता था जैसे कोई करीब आने लगता था आइसक्रीम पे पूरी जबान लगा देता था ताकि कोई खा ही ना पाए We'll miss you. Koi, and I'm gonna meet you. Oh, I will miss him. Wake up, Ildan. Take a buy animals. New animals? You want to buy new animals? Let's go. Let's go. Let's buy new animals. Vildan उठ ही नहीं रहा है. Come. इसका bag दिखाओ. Okay, okay, okay. बस. Let's go buy new animals. Okay? Shoes का है shoes. दूसरा नीचे देखो. बाबू को पाली कर दो. किसी कर दो. Hi. Hi. So guys, it's time to go back home. ये है जी Vildan का bag और ये है मेरा bag. So guys, day well spent with my family and I'm now going back to home. बहुत अच्छा time गुजरा मिकाइल के साथ पूरा day मैंने गुजारा क्या what बहुत संभाला है मैंने इसके बेटे को अच्छा बड़ा संभाला क्या बड़ा संभाला मैं सारे सबूत collect किए और मैं यही चाहूँगा कि आगे भी यही इसी तरह आती रहे आगे भी आती रहे घर में हाँ मैं चाह रही हूँ कि एक बेबी को संभालना माँ तो माँ है ना माँ को अपनी हर औलाद प्यारी लगती है अब दोनों को तीनों को मैं सारे सबूत कलेक्ट किए मैंने इसके बेटे को मैंने कितना संभाला अच्छा तुम कुछ नहीं कह सकते ओके बाय अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज ओके बाय यू कैन गो चलो के साथ दोबारा बाय मामू बाय बाय मामू से बाय बाय मामू बाय मामू
ओके अलाउ।